Hi everyone and welcome back. So today I am back again with another beautiful nameplate design. This time I have tried with mandala art. तो चलिए without further ado, let's start the video. तो मैंने लिया है 30 cm diameter का एक round MDF board. इसे मैंने each 5 cm के हिसाब से equally divide करके कर लिया है cut. And here are two MDF cutouts which I'm gonna use it at its back side to hold all the pieces. Then मैंने सारे कटआउट के edges को sanding paper के help से smooth बना लिया है. Well, then हम apply करेंगे gesso to make everything paint ready. Then gesso dry होने के बाद sangria color के paint से इसे कर लिया है paint. थोड़ी सी distressed look दिया है मैंने using dark brown color and a dry brush. Alright, then मैंने सारे टेक्स्ट को पेपर पे ऑलरेडी लिख लिया है एंड देन बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर आई विल ट्रेस एवरीथिंग ऑन इट्स रेस्पेक्टिव बोर्ड कटआउट्स. Well, before we start work further, let's attach all the pieces of board. And back side में मैंने लगा लिया है clay and then ये two cutouts को stick कर लिया है. Well, then मैंने white paint से सारे text paint कर लिया है. जैसे कि मैंने बोला था कि मंडला पैटर्न बनाना है तो मैंने ये सारे घर के जो सामान है उसको ही एज अ टूल यूज़ करूँगी. देन लेट्स स्टार्ट विथ मंडला आर्ट. बहुत ही रिलैक्सिंग इजी आर्ट फॉर्म है. बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डॉट्स है वो नाइसली कंप्लीट सर्कल होनी चाहिए. तो इसके लिए मैंने जो भी टूल यूज़ कर रही हूँ उसमें गुड अमाउंट ऑफ कलर लेना ज़रूरी है. तो कुछ इस तरह से मैंने सारे पेंट कर लिया है. देन मैंने वार्निश अप्लाई कर लिया है एंड ये ड्राई होने के बाद मैंने कुछ मिरर से इसे डेकोरेट किया है. देन एंड में बैक साइड में मैंने मेरे चैनल का स्टिकर भी लगा लिया है. तो दैट्स ऑल. अमेजिंग सा नेम प्लेट बन के रेडी है. इफ यू लाइक इट प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक एंड हिट द लाइक बटन. सी यू सून. Take care. Bye-bye.